फाइनली गन पाउडर मिल्क शेक, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। और मूवी का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है प्रिंस राजपूत, तो यार थैंक यू सो मच भाई, इसी तरीके से मूवीज रिकमेंड करते रहना। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को नहीं मिलती, ये इंग्लिश में अवेलेबल। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 54 मिनट की, और कहानी फोकस करती है एक एसेसिन, एक फीमेल एसेसिन पे जिसका नाम है स्कारलेट। वो एक फर्म के लिए काम करती है, लेकिन स्कारलेट की एक बेटी भी है सैम, और स्कारलेट नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके ही राह पे चले, यानी कि उसकी बेटी भी बड़ी होकर एसेसिन बने, ऐसा स्कारलेट बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिस वजह से स्कारलेट को अपनी बेटी सैम को छोड़कर भागना पड़ता है। अब उसके बाद सैम के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं इस मूवी के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि डायरेक्टर ने जॉन विक, एटॉमिक ब्लंड और किल बिल, इन तीनों को देख के ये मूवी बनाया है क्या, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और अगर उन तीनों मूवीज़ को देखकर बनाया भी है तो इतनी गंदी तरह से बनाया है, मतलब आप लोग कह सकते हो कि जॉन विक और वो दूसरी जो दो मूवी एटॉमिक ब्लंड और किल बिल, उन सब का ये एक बहुत ही सस्ता से सस्ता कॉपी आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मूवी पूरी तरह से ख़राब है, मूवी में आपको फैमिली ड्रामा यानी कि माँ बेटी के बीच के ड्रामे को बहुत अच्छी तरह से बताया, साथ साथ जो वॉयलेंस वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन कहीं ना कहीं मूवी की जो कहानी है, जो एग्जीक्यूशन है, वो उतना मज़ेदार है नहीं जितना होना चाहिए था। मूवी के कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी उनको ठीक तरह से लिखा है, लेकिन वो कैरेक्टर से आप लोग कनेक्शन नहीं बना पाते, एटलीस्ट मैं बना नहीं पा रहा था। अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो देखो मूवी बहुत ही कलरफुल है, लेकिन उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है जो आपने आज से पहले किसी और मूवी में ना देखा हो। एक्शन सीन्स की बात करो तो यस, एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, लेकिन वही यार सेम रिपीटेड एक्शन सीन्स कितनी बार देखोगे आप लोग, ये मुझे बताओ। बीजीएम अच्छा है, लेकिन कई कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है, जो कि मज़ा नहीं आता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो जितनी फीमेल एक्ट्रेस है सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन एक चीज जो मूवी की सबसे ज्यादा वाहियत लगती है वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस है यानी कि फीमेल कैरेक्टर्स है या लेडीज लोग हैं, उन सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया, और जितने भी मैंने उन सबको रिवील बता दिया। तो मतलब यार क्या कोई फेमिनिज्म वाला नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रहे हो क्या यार? डायरेक्शन अच्छा, लेकिन इससे भी ज्यादा और अच्छा किया जा सकता था। स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है यार, एडिटिंग में बोलूंगा कि यार मूवी को अच्छी तरह से एडिट करते तो यार शायद ये 1.5 घंटे की हो सकती थी। ओवरऑल ये एक डिसेंट मूवी है मेरे लिए, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं इससे अच्छी अच्छी बहुत सारी मूवीज़ देखा हूँ। मैं पेरेंटल गाइडेंस के इतने ही बोलूँगा, मूवी में अश्लील चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वॉयलेंस दबा के, तो आप लोग घर वालों के साथ तो मत ही देखना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 5/10। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मूवी देखना तो देखो, वरना आपकी मर्जी यार। बाय।